यीशु प्रतिज्ञा करे मसीह आए। जब परमात्मा संसार का बनाइन तब सब कुछ अच्छा रहो है, कौ पापी नहीं रहो है। आदम और हव्वा एक दूसर का प्रेम करत रहे हैं और ऊ परमात्मा से प्रेम करत रहे हैं। कोनो बीमारी या मृत्यु नहीं रही ही, परमात्मा ऐसे ही संसार का चाहत रहे हैं। शैतान सांप के माध्यम से बगीचा में हव्वा से बात करीस, कैसे वह वही धोखा दे का चाहत रहो। तब हव्वा और आदम परमात्मा के विरुद्ध पाप करिन, कैसे ऊ पाप करे रहे हैं, यही से पृथ्वी मरहा वाले सब जन मरत हैं। कैसे आदम और हव्वा पाप करे रहे हैं, यही से कुछ और भी बुरा भा, ऊ परमात्मा के शत्रु बन गई। तब से हर जन पाप करत आउ था, हर एक जन जन्म से ही परमात्मा के शत्रु है। परमात्मा और मनई के बीच में शांति नहीं रही ही, पर परमात्मा शांति स्थापित कर का चाहत रहो है। परमात्मा प्रतिज्ञा करिन कि हवा के एक ठी वंशज शैतान के मुंडी का कुचरी, वह यह भी कहिन कि शैतान उनके एडी का डसी। दूसर शब्द में शैतान मसीह का मार डली, पर परमात्मा उन्हें फिर से जिंदा कर दई ही। एके बाद मसीह शैतान के शक्ति का हमेशा के लाने समाप्त कर दई ही। कई सालन के बाद परमात्मा प्रकट करिन कि वह मसीह यीशु हैं। परमात्मा वह बाढ़ से अपन परिवार का बचाइन, जही उलामा वाला रहे। नू से एक ठे नाव बनामा के लाने कहीं कि ऊ यह प्रकार से परमात्मा ऊ मनेन का बचाइन, जनवा मा विश्वास करत रहे। यह प्रकार ऊ सब के सब परमात्मा के द्वारा मार डाले जाए के योग्य रहे हैं, कैसे ऊ पाप करे रहे हैं। पर परमात्मा ऊ सब का बचामा के लाने यीशु का भेजिन, जनवा मा विश्वास करत हैं। सैकड़ों साल तक याजक परमात्मा के लाने बलिदान चढ़ाउत रहे हैं, यह दर्शाऊ था कि मने पाप करी नहीं, और यह कि ऊ परमात्मा के द्वारा उन्हें दंड दे जाए के योग्य रहे हैं। पर ऊ बलिदान उनकर पापन का क्षमा नहीं करत रहे हैं। यीशु सबसे बड़ा महायाजक है, ऊ वह करिन जो कोई याजक नहीं कर सकत रहो है। वह एकमात्र बलिदान होए के लाने खुद का दई दईन, जोन हर कोनो के पापन का मिटा सकत रहो है। ऊ स्वीकार करिन कि परमात्मा उन सब के पापन के लाने उही दंड दई हैं। यह कारण यीशु सिद्ध महायाजक रहे हैं। परमात्मा अब्राहम से कहिन, मैं तोरे द्वारा संसार के सब कुल का आशीष दई हूँ। यीशु यह अब्राहम के वंशज रहे हैं। परमात्मा अब्राहम के माध्यम से सब कुल का आशीष देत हैं। कैसे जौन यीशु में विश्वास करत हैं, परमात्मा उन सब का पाप से बचाऊ थी। जब ही मनई यीशु में विश्वास करत थी, तब परमात्मा उन्हीं अब्राहम के वंश माना थी। परमात्मा अब्राहम से कहिन वह अपन निज बेटबा का वो खिलानी बलिदान कर दे, पर फिर परमात्मा इसहाक के बदले में बलि करा के लाने एक थे मेमना दें। हम सब अपन पापन के लाने मार डाले जाए के योग्य रहे, पर परमात्मा हमरे जगह में मरे के लाने यीशु का बलिदान के रूप में दें। यह कारण से हम यीशु का परमात्मा के मेमना कहथन। जब परमात्मा मिस्र में अंतिम विपत्ति भेजिन, तब ऊ हर एक ठे इसराइली परिवार से कहिन कि ऊ एक ठे मेमना का बलि करा, वह मेमना में कोनो दोष नहीं हो चाहिए। तब अपन दरवाजा के चौखट के ऊपर और बगल में वो खिलहू का लगामा कराओ। जब परमात्मा वह लहू का देखिन, तब उनखर घर से आगे बढ़ गए और उनखर पहलौठा बेटबा का नहीं मारिन। जब यह भा तब परमात्मा यही फसा के पर्व कहिन। यीशु फसा के पर्व के एक ठे मेमना के तरह है, ऊ कभी पाप नहीं करिन, ऐसे यीशु में कुछ भी गलत नहीं रहो है। ऊ फसा के पर्व के समय मरो, जब कोई यीशु में विश्वास करत था तब यीशु के लहू व मनई के पापन के कीमत चुकाऊ था। यह ऐसा है जैसे कि परमात्मा व मनई के पास से आगे बढ़ गए, कैसे वह वही दंड नहीं देते। परमात्मा इसराइली मनैन के साथ एक ठे वाचा बांधिन, कैसे ऊ ऐसे मनई रहे हैं जिन्हें परमात्मा अपन होए के लाने चुने रहे हैं। पर अब परमात्मा एक ठे ऐसा वाचा बांधिन हैं जो उनकी सब के लाने हा, अगर कोनो भी जाति के कोई भी जन यह नई वाचा का स्वीकार करत है, तब परमात्मा के मनैन में शामिल हो जाता। वह ऐसा यही से करत है
कैसे वह यीशु में विश्वास करत है। मूसा एक थे ऐसा भविष्यवक्ता रहो है जोन परमात्मा के वचन का बड़ी सामर्थ के साथ प्रचार करे रहो है। पर यीशु सब भविष्यवक्तन में सबसे बड़ा है, वो परमात्मा है। यही से जौन कुछ भी वो करीन और कहीन वह परमात्मा के कार्य और वचन रहे। यही से पवित्र शास्त्र यीशु का परमात्मा के वचन कहत है। परमात्मा राजा दाऊद से प्रतिज्ञा करे रहे हैं कि राजा के रूप में ओखर एक ठी वंश परमात्मा के मनन में सदा के लाने शासन करी। यीशु परमात्मा के बेटबा और मसीह हैं। यही से वह राजा दाऊद के वंश है जो सदा के लाने राज्य कर सकत है। दाऊद इसराइल के राजा रहो है पर यीशु सारी जगत के राजा हैं। वह फिर से अही और सदा के लाने न्याय और शांति के साथ अपन राज्य में शासन करी। उत्पत्ति अध्याय 1-3, 6-14, 22, निर्गमन 12-20, 2 Samuel 7, इब्रानियों 3:1-6, 4:14, 5:10, 7:1, 8:13, 9:11, 10:18, प्रकाशित वाक्य 21 से बाइबल की एक कहानी।